हे गाइस, आई गेस वी आर लाइव नाउ। आप जल्दी से मुझे कंफर्म करके बता दीजिए। चलिए शुरू करते हैं सेशन को गाइस। एनटीए अभ्यास के कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यूज जो यहाँ पे हम लोग हाफ करने वाले हैं, एंड थोड़े से उसके बाद कहाँ करने वाले हैं, अनअकैडमी के ऐप पर। अनअकैडमी पर के ऐप पर आप सबसे पहले जाके सौरभ शर्मा सर्च करिए, फॉलो कर लीजिएगा, बिकॉज अभी यहाँ से डायरेक्टली हम लोग वहाँ जाने वाले हैं प्रैक्टिस करने फॉर द कंटिन्यूएशन, राइट? ओके, तो इस प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को याद नहीं है या भूल गए होंगे वो लोग, कि गाइज अन अकेडमी की तरफ से जो मॉक टेस्ट है वो टोटली फ्री है। 5 मॉक टेस्ट होने वाले, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, फ्री मॉक टेस्ट का एनरोल कर लीजिए। 28 तारीख को पहला मॉक टेस्ट है, मिस ना करिएगा मॉक टेस्ट 1। 28 तारीख 100% फ्री है, नो हिडन चार्जेस एनीथिंग। आपको इन मॉक टेस्ट का प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा, इसमें आपको रैंक प्रेडिक्टर भी मिलने वाला है, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को जल्दी से एकदम यहाँ पे। तो 28 तारीख आपके लिए डेट लगा दी गई है, और प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं गाइस, चिंता मत करिएगा। आइए अभी क्वेश्चन करते हैं। तो उस प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर वन आ गया आपके स्क्रीन के सामने। क्या सवाल पूछा गया है? टर्म जीनोम और न्यूक्लियोइड कैन बी यूज फॉर, जीनोम या फिर न्यूक्लियोइड जो टर्म है वो किसके लिए यूज कर सकते हैं, मार्क करके बताइएगा। क्या लगता है क्या होना चाहिए गाइस यहाँ पे? चलिए आइए बताइएगा। लेट सी गाइस, क्या लगता है क्या होना चाहिए? ओके, ये प्रोकैरियोट के लिए टर्म यूज कर सकते हैं हम, न्यूक्लियोइड। ये जो न्यूक्लियोइड जो टर्म है, ये न्यूक्लियोइड या फिर जो जीनोम या जो न्यूक्लियोइड लिखा है, ये किसके लिए यूज कर सकते हैं? प्रोकैरियोट्स के लिए, राइट? प्रोकैरियोट के लिए यूज कर सकते हैं। तो दिस 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 एंड दिस, सारे सही है इसमें, ऑल ऑफ देम कैन बी द आंसर। तो यहाँ पे 1 का हो गया डी, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ आपके लिए सवाल। अभी आपको सवाल प्रॉपर दिख रहा होगा, आई गेस गाइस, रुक जाइए। ओके, आई गेस सवाल आपको प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है? अभी दिख रहा है क्या? आप मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है? यस, आई गेस सवाल आप प्रॉपर दिख रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया गाइस यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने। पूछा गया गाइस आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट? यहाँ पे आपसे पूछा गया गाइस करेक्ट क्या है, क्या लगता है क्या करेक्ट है गाइस इसमें, बताइए। चलो यहाँ पे रबिन जी ने बहुत बढ़िया आंसर किया है, और क्या वो पढ़ते हैं यहाँ पे? ओके, हरिणी जी ने भी बहुत बढ़िया, ओके श्रवणा जी, ओके शिवानंद जी, वे गॉट, विशान जी ने लिखा है बी, और यामिनी जी ने ए। आओ पढ़ते हैं। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, ठीक है, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ये सही है। ऑल क्रेनेट्स आर वर्टिब्रेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉट क्रेनेट्स, गलत है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर ऑल्सो क्रेनियट्स, तो इसको चेंज कर लीजिएगा। ऑल फ्लैटफॉर्म पोजेज मेटामेरिज्म, फ्लैटफॉर्म के पास मेटामेरिज्म नॉट एट ऑल, ये तो एनालीड पे था, आप स्टार्टिंग में एनालीड में पढ़ रहे थे। असली मेटामेरिज्म एनुलस लाइक स्ट्रक्चर, ये कहाँ पे आया था स्टार्टिंग में, कहाँ पे था भाई साहब? ओके एनलीड्स वाले पे, तो ये ऑब्वियसली कट गया, ये दोनों कट गया, तो ऑल देम होगा नहीं आंसर, आंसर आ जाएगा 2 का A। क्लियर है? बढ़िया सवाल था, लेवल बढ़ा था थोड़ा सवाल का। यस, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं गाइज, आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर बताइएगा। चलिए रीड करिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर गाइज, हेलो जी जल्दी से आ जाइए गाइज यहाँ पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, इसमें कौन सा करेक्ट है, क्या लगता है गाइस इसमें करेक्ट क्या है? ओके, रेडियली सिमेट्रिकल में लिखा है सिलेंड्रेट्स, असिमेट्रिकल में लिखा है इकाइनोडर्म्स, और बायलैटरल सिमेट्रिकल में लिखा है स्पॉन्जेस, और बाई रेडियल सिमेट्रिकल में लिखा है प्लाटे हेलमिंथस। ऑब्वियसली डी नंबर गलत है, ठीक है, बाई रेडियली नहीं होते हैं ये लोग, बायलैटरल में स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस बोलते हैं। वी आर मोस्टली असिमेट्रिकल भाई, वी आर मोस्टली असिमेट्रिकल, राइट, है ना? ओके, तो चलिए, तो ये इसको भी काट दो। और इकाइनोडर्म्स बोलते हैं हमारे बच्चे, तो यार बाइलेटरल थे, और हम अभी ये क्या है रेडियल पे जा रहे थे, तो ये भी गलत हो गया। देन रेडियली सिमेट्रिकल में सिलेंड्रेट्स, ये सही है। तो 3 का आंसर आ जाएगा गाइज ए, याद रख लीजिएगा 3 का हो जाएगा ए, क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th, क्या सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, एक नंबर सवाल है गाइज। ऐसे सवाल को अभी हम लोग यहाँ पे 30 करेंगे, और जो बाकी है वो अनअकैडमी के ऐप पर अभी के अभी करने वाले हैं जस्ट, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिफाइन द इफेक्ट ऑफ कॉर्टिसोल ऑन द गिवन सबस्ट्रेट। ओके, इफेक्ट ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल बेसिकली क्या है यार? कॉर्टिसोल है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, राइट? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहाँ से निकल रहा था? ओके, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकल रहा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, राइट? एड्रिनल कहाँ से निकल रहा है? कॉर्टेक्स। क्या करता है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को, बीजीएल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है ना? और लाइपोलाइसिस करता है और प्रोटियोलाइसिस करता है, प्योरली एनसीआरटी, अपने मन का नहीं है, पूरा एनसीआरटी है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा।
डी हो जाएगा ना मैन, क्या होना चाहिए? देखो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर रहा है, ओके, तो इंक्रीज और इंक्रीज दो जगह लिखा है और तीन जगह लिखा है। लिपिड को ब्रेक करेगा, प्रोटीन को भी ब्रेक करेगा, तो यहाँ ब्रेक सिंथेसिस लिखा, काट दो, ये गलत हो गया। देन उसके बाद यहाँ लिखा है सिंथेसिस, नहीं गलत, क्योंकि लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस जूम किया हुआ ऑलरेडी। गोविंद जी आप एक काम करो ना, रेजोल्यूशन को बढ़ा लो यहाँ से, ऑप्शन में है क्वालिटी में जाके, ठीक है एडवांस में जाके वहाँ पे 720p कर लो, एकदम बढ़िया से दिखेगा, क्लियरली एकदम दिखने वाला है HD में। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, क्या सवाल है गाइस क्वेश्चन नंबर 5 का? काइंडली रीड करिएगा सवाल, क्या पूछा गया है? यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ, सवाल तो दिख रहा है ना आपको गाइस यहाँ पे, चलिए बता दीजिएगा गाइस यहाँ पे 5 का। वेरी गुड विशांत जी, ठीक है, और कौन है? यामिनी जी, ओके, शेफाली जी, ओके, आ गया आंसर। 5 का क्या हो जाएगा? दे आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड दे आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ए एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है, दे डू नॉट हैव वेल ऑर्गेनाइज ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम कहाँ मिलेगा? गलत है, तो इसका आंसर आ गया 5 का डी, क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अमॉन्ग द फॉलोइंग, दिख रहा है सवाल? नहीं तो मैं इसको जूम इन कर देता हूँ, ठीक है, आप एक बार बताइएगा मुझे। ओके आई गेस दिख रहा है सवाल, तो यार क्लियर है, ठीक है, पूरा सवाल दिख रहा है यहाँ पे। अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन फाइंड आउट द, मैं आपके लिए यहीं से पढ़ रहा हूँ, देख रहे हो, यहीं से पढ़ रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली, तो आपको सवाल तो प्रॉपर दिख रहा है, चिंता मत करिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, डोंट वरी, यहाँ से फैमिली के बारे में पूरा एकदम बढ़िया से लिखा है, तो चलिए, तो यहाँ पे आपको बताने का इस लिली के बारे में। लिली बेसिकली जो लिली है, NCERT का ही लिखा है यहाँ, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, आपको पता था, तो एक्टिनोमॉर्फिक एक्टिनो लिखा है, और टेट्रामेरस नहीं होता था, ट्राइमेरस होता था ना, है ना? तो वो देख के आंसर आ जाएगा आपका, बाकी आपको देखना भी नहीं पड़ेगा, आंसर आ जाएगा नंबर भी, ये दो ऑप्शन देखोगे आप आंसर निकाल लोगे, टू ऑप्शन ओनली, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया गाइस, क्या सवाल है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इन रिलेशन टू द मोर सेलेक्शन ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट माइक्रोब, पूरा पूरी NCERT का लाइन है, NCERT का लाइन कॉपीड है, ठीक है, यहाँ पे बोला है नॉट इन रिलेशन, तो इसमें गलत स्टेटमेंट आपको खोजना है, गलत स्टेटमेंट, तो चलो आओ जल्दी से गलत स्टेटमेंट खोज लेते हैं यार, यहाँ पे क्या होना चाहिए गलत स्टेटमेंट, चलिए देखते हैं गलत स्टेटमेंट, गलत, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? इट हैज अकर्ड इन वेरी लेस टाइम, सही है, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से एक्सिलरेट हुआ है मैन के द्वारा, ये भी सही है, ओके, इवोल्यूशन स्टोकास्टिक प्रोसेस होता है, ये तो सही है, ठीक है, और यहाँ लिखे इट इज अ डायरेक्टेड प्रोसेस, नो इट इज नॉट ए डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म, इफ यू गाइस डू रिमेम्बर, आ गया आंसर गाइस, क्या होना चाहिए? इट इज नॉट ए डायरेक्टेड प्रोसेस, राइट, तो 7 का क्या हो जाएगा? 7 का हो जाएगा डी, क्लियर है, तो 7 का आंसर है डी, ओके, इट इज नॉट ए डायरेक्टेड प्रोसेस, ये तो याद रखना चाहिए था आपको जी। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्या सवाल है? यहाँ पे बोला गाइनोशियम, गाइनोशियम इज एपोकार्पस, एपो बोला है, एपो और सिन पढ़ते हो ना, सिन मतलब फ्यूज होता है, एपो भाई साहब फ्यूज नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर फ्यूज लिखा है उसको हटा दो, ये फ्यूज लिखा है, ठीक है, फ्यूज लिखा है काट दो, दो बचा ऑप्शन में गाइनोशियम, एपोकार्पस लिखा है तो एपोकार्पस मोर देन वन कार्पल हो जाएगा, मोर देन वन कार्पल ना, विच आर फ्री, तो आंसर आ गया 8 का बी, ऐसे करके यहाँ पे एकदम इजीली निकाल दिया आपने आंसर, ओके चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है क्लियर हो गया, ओके वेरी गुड, स्टोकास्टिक बेसिकली कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, इट कैन गो एनी वेयर, लिख लीजिएगा, ओके आइए, ये वाला NCERT का लाइन है, डोंट वरी, आपके क्वेश्चन मार्क्स सारे सॉल्व हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यहाँ पे गाइस क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, जल्दी से बता दीजिए गाइस यहाँ पे, क्या लगता है क्वेश्चन नंबर 9 पे? यहाँ पे इजी 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 सवाल है ना, चलो और जल्दी से बता दो क्या होना चाहिए गाइस यहाँ पे, ओके लेट्स सी, इजीली निकल गया आपका आंसर, यस वेरी गुड, जैसे ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो जाएगा, इजी था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रॉन्ग कौन सा है यहाँ पे? यहाँ लिखे मोस्ट ऑफ द यूग्लिनॉइड लिव इन रनिंग फ्रेश वाटर, गलत है, रनिंग नहीं है, स्टेगनेंट फ्रेश वाटर होता है, प्लीज अपडेट द नॉलेज गाइस, तो स्टेगनेंट फ्रेश वाटर होता है, तो रॉन्ग तो ये मिल गया, बाकी सारे सही हैं कि यूग्लिनॉइड कैरी सेम पिगमेंट एज ऑफ हायर प्लांट, ठीक है, एमीबॉइड तुमको हर जगह मिल रहे थे, है ना, मरीन एमीबॉइड तुम्हारे सिलिका का शेल था। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर आ गया गाइस यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10th, 30 सवाल अभी करेंगे यहाँ पे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, क्या लगता है क्या करेक्ट है? अगेन NCERT बायो, न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट एंड शॉर्ट लिव्ड होता है, पूरा पूरी NCERT का लाइन है, हाइपोथैलेमस फॉर्म द बेसल पार्ट ऑफ द डाइनकेफेलॉन, ये सही स्टेटमेंट है,
ओके, GHRH इज रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, गलत है क्यों? बिकॉज जो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं वो हाइपोथैलेमस से आते हैं. कहाँ से आते हैं? हाइपोथैलेमस. पास्ट डिस्टलिस इज अ पार्ट ऑफ न्यूरो हाइपोफाइसिस. नो मैन, ये एडिनो हाइपोफाइसिस का पार्ट है. तो आपको शायद करेक्शन भी हो गया है ना, तो आंसर आ गया बी. क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, द अबंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड एंजाइम इन जर्मिनेटिंग सीड एंड एडिपोसाइट, ये दोनों में होता है क्या? फैट होता है. फैट को ब्रेक करने के लिए कौन से एंजाइम चाहिए? लाइपेज चाहिए. तो आंसर आ गया 11 का ए. क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 आ गया आपके स्क्रीन के सामने. माउथ पार्ट ऑफ द कॉकरोच आर सिफोनिंग, स्पॉन्जिंग, बाइटिंग, चुइंग या पियर्सिंग, सकिंग. आंसर आ जाएगा बाइटिंग एंड चुइंग. तो यहाँ पे ऑप्शन से एलिमिनेट किया गया है, तो 12th का हो जाएगा सी. क्लियर है कॉकरोच के बारे में? आइए नेक्स्ट सवाल. क्वेश्चन नंबर आ गया आपके स्क्रीन के सामने 13. ईच लिम्ब इन द ह्यूमन बॉडी पोजेस, ईच लिम्ब के बारे में कैलकुलेट करना है. जैसे मान लो तुम्हारा फोर लिम्ब में एक लिम्ब में कितने बोन होते हैं, आ जाओ काउंट कर लो आप चाहे तो. ह्यूमरस एक था, रेडियस अल्ना था, राइट है ना. उसके बाद क्या मिल रहा था आपको यहाँ पे? कार्पल्स मिल रहे थे, आठ मिल रहे थे, आठ कार्पल्स थे क्या? यस एकदम थे. उसके बाद कितने, उसके बाद क्या थे? मेटा कार्पल्स थे. कितने थे? पांच थे. 14 फेलेंजेस थे क्या? ओके ऐड कर लीजिए, 14 5 19 हो गया. 19 और 8 कितना हो गया? जल्दी से बता दीजिएगा. 27 हो गया. 27 के 28 29 एंड 30, 30 आ गए, ऐड कर दिया. एकदम बढ़िया से गाइस. तो आंसर आ जाएगा 13th का ए हो गया, 30 बोन्स. वेरी गुड मैन, दैट्स अमेजिंग. आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल. क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आ गया गाइस. यहाँ पे सवाल क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिकॉग्नाइजेस द डिफरेंस इन, क्या चीज़ के डिफरेंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग गाइस? चलिए बता दीजिएगा जल्दी से. सैटेलाइट डीएनए, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेपिटेटिव डीएनए, और वो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता था, आपने याद है ना. आई क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 आ गया, द मेन फंक्शन ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए का मेन फंक्शन क्या है विथ रेस्पेक्ट टू प्रोटीन सिंथेसिस? विथ रेस्पेक्ट टू प्रोटीन सिंथेसिस टीआरएनए का मेन फंक्शन क्या है? थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ यहाँ पे इसको, सवाल को हल्का सा, राइट है ना. अभी दिख रहा है ऑप्शन से आपको क्या काम है इनका. ऑल ऑफ देम मत मार देना, गलत है. ऑल ऑफ देम नहीं होगा क्यों? क्योंकि प्रूफ रीडिंग बोलते हैं, हमने ये नहीं करते. टीआरएनए का काम क्या होता है? टीआरएनए को एडेप्टर भी बोलते हैं, एडेप्टर भी बोलते हैं, याद आ रहा है? ओके यस, एडेप्टर भी बोलते हैं. एडेप्टर मॉलिक्यूल क्या करता है? ये खोज खोज के अमाइनो एसिड को उठा के लाता है. यस, आइडेंटिफाई अमाइनो एसिड एंड ट्रांसपोर्ट देम टू राइबोसोम. वेरी गुड, आंसर आ जाएगा 15 का बी. आई क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 एक और बढ़िया सवाल. केमिस्ट्री भी लिंक हो गई तुम्हारी यार, केमिस्ट्री भी लिंक हो गई शनाया जी. चलिए ये बताइए गाइस क्या होता है इसका आंसर. अमाइनो एसिड से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमाइनो, ओके अमाइनो ग्रुप एंड एन एसिड ग्रुप अटैच्ड ऑन बेसिकली, ओके कौन सा कार्बन से होते हैं अटैच? जल्दी बताना कौन से होते, अल्फा कार्बन से होते हैं, राइट है ना. केमिस्ट्री आ गया यार, ये तो केमिस्ट्री आ गया, बताओ अल्फा कार्बन वाला, ये तो केमिस्ट्री आ गया. चलो ऐसा आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट सवाल तुम्हारे स्क्रीन के सामने आ रहा है. आइए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17, 17 आ गया एक और. ये बढ़िया सवाल है, ये मैं मानता हूँ एकदम बढ़िया सवाल है. आप में से बहुत बच्चों की कंप्लेन थी कि भाई थोड़े से और टफर टफ करवाओ, ठीक है. तो आगे लीजिए आपके सामने, ये पढ़ के बताइएगा क्या होना चाहिए सवाल. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एपिथीलिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पीसीटी? तो यहाँ पे क्या चीज़ करेक्ट है, ध्यान से देखना क्या करेक्ट है. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एपिथीलिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पीसीटी? क्या लगता है क्या करेक्ट है यहाँ? बोथ है माइक्रोविलाई एंड ओके एंड कंपाउंड कॉलमनर, गलत है दोनों के पास. ये थोड़ी है स्ट्रेटिफाइड नहीं है, मल्टी लेयर्ड वाला नहीं आ रहा है ना, वो स्ट्रेटिफाइड क्यों लिखोगे? सिंपल एपिथीलियम होता है, सिंगल लेयर्ड होता है. यस सिंपल एपिथीलियम और दोनों के माइक्रोविलाई होते हैं, बस डिफरेंस कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन वाला सिंपल कॉलमनर हो जाता है और ये जो पीसीटी वाला सिंपल क्यूबॉइडल हो जाता है, राइट है ना. सही बोला तो एकदम. आइए आगे बढ़ते हैं. तो आंसर आ जाएगा नंबर सी, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड थोड़ी होते, स्ट्रेटिफाइड तो डिफेंस के लिए चाहिएगा, प्रोटेक्शन के लिए, राइट है ना. क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 एक और बढ़िया सवाल. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर वायरोइड्स? वायरोइड्स के लिए इसमें क्या चीज़ करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट बोला है. तो चलिए आइए बताइए नॉट करेक्ट मतलब रॉन्ग कौन सा है. वायरोइड कॉजेज PSTD बट नॉट द टोबैको मोजैक डिजीज, बिकॉज टोबैको मोजैक के लिए तो टोबैको मोजैक वायरस है ना, TMV ऑलरेडी है, वो तो वायरस से होता है ना. तो ये वाला गलत हो गया और बाकी सारे सही हैं कि 1971 डिनर जी. वायरोइड के पास क्या हो जाता है? फ्री आरएनए होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता है, लो मॉलिकुलर वेट आरएनए होता है. ये भी, ये तीनों सही हैं है ना. तो ऐसे सवाल में आपको बाकी में क्या होते हैं स्टेटमेंट्स करेक्ट वाले भी पता चलते हैं. आइए नेक्स्ट सवाल आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 19,
पॉलीसिस्टोकाइनिन एक्ट्स ऑन सीसी के पीजेड इसका पूरा नाम होता है, तो ये बेसिकली पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों पे काम करता है। आंसर आ गया नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं गाइस। यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय आरएमपी को कैसे मेंटेन किया जाता है, जल्दी से बता दीजिएगा गाइस। ओके, आपके अगर कोई डाउट्स है तो आप एक बार पूछ लेना। मेरा आंसर डिलीट हो जा रहा है, जा तो स्पैम के कारण हो रहा है क्या? अल्ले, अरे कोई बात नहीं गाइस, आप आराम से नॉर्मल एक एक आंसर कर दो। क्या लगता है 20 का, आरएमपी को मेंटेन करने के लिए आयन के पंप चाहिएंगे जो पैसे खर्च करके, जैसे एग्जाम्पल आपको याद है क्या होते हैं, एन ए प्लस के प्लस ए टी पी एस पंप, राइट, है ना, एन ए प्लस के प्लस ए टी पी एस पंप। ओके वेरी गुड, तो आंसर आ जाएगा आयन पंप्स। आरएमपी को मेंटेन, आरएमपी कितना वोल्ट का होता है, कितना मिली वोल्ट, -70 मिली वोल्ट ना। ओके अरे नहीं किया, ठीक है नहीं किया, चलिए आइए बताइए गाइस इसका आंसर क्या हो जाता है। नेक्स्ट टॉक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 आपसे पूछा गया गाइस, यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, जल्दी से पढ़ते हैं। 21 में पूछा गया प्रोटोनेमा, प्रोटोनेमा मॉस से रिलेटेड, आपको पता है प्रोटोनेमा ऑफ मॉस हैप्लॉइड होता है, तो हैप्लॉइड होता है और ये मॉस में मिलता है। आंसर आ गया नंबर सी। याद करो आपने पढ़ा था फ्रैगमेंटेशन से जो डिवाइड करने वाला, राइट, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बढ़िया सवाल आ गया ये, एक और एनसीईआरटी का ये गाइज, ये बाहर का नहीं है, चिंता मत करना, बाहर का नहीं है, दिस इज प्योरली एनसीईआरटी, ठीक है। चलो ये बताइएगा क्या लगता है ये, द टिश्यू, टिश्यू का डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं ना, टिश्यू का डेफिनेशन में कि वह टिश्यू क्या हो जाता है। ओके, जनरली सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन एंड परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन, तो आंसर आ जाएगा बोथ बी एंड सी आर ट्रू, तो आंसर आ गया नंबर बी, 22 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं गाइस, क्या सवाल है, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है गाइस यहाँ पे आपसे, द मेरिस्टेम दैट अकर्स इन द मेच्योर रीजन, ओके, और क्या लिखा है यहाँ पे, अपियर लेटर देन द प्राइमरी, अगर ये प्राइमरी के बाद आते हैं तो ये ऑब्वियसली सेकेंडरी और लैटरल है, सिलेंडर के रूप में अरेंज्ड होते हैं, है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं गाइस, 24, 24 नंबर सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है पढ़ते हैं, जैन इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला था। अच्छा सवाल है, देखो ऐसे सवाल अगर आप जितना ज़्यादा बनाओगे ना उतना ज़्यादा कि हाँ भाई कुछ बढ़िया सीखे हो आप, राइट, बताओ तो इसका आंसर क्या हो जाता है गाइस, ठीक है जल्दी से बता दीजिएगा क्या लगता है आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए गाइस। जैन इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट रिवील्ड दैट देयर वाज, ओके, प्रेजेंस ऑफ बबल व्हेन एक्वाटिक प्लांट वाज प्लेस्ड इन डार्क, अरे अंधेरे में बबल थोड़ी आएगा, जब उसको लाइट में रखा था तब बबल आया था, तो ये गलत है, और यहाँ लिखा है नो बबल, दोनों उल्टा कर दिया, गलत है, तो बचेगा क्या आंसर, नंबर सी बचेगा, नो प्रेजेंस ऑफ बबल व्हेन द एक्वाटिक प्लांट वाज प्लेस्ड इन डार्क, क्लियर है ये लाइन। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। ओके, तो 24 का क्या हो जाए, ये 24th था ना, तो सी होगा ना, वेरी गुड, बी तो नहीं होगा ना, क्योंकि देखो अगर सनलाइट में रख रहे हो तो नो प्रेजेंस थोड़ी, प्रेजेंस होना चाहिए था बबल का, बबल तो दिखने चाहिए थे क्योंकि सनलाइट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है और ऑक्सीजन का रिलीज हो रहा था तभी तो बबल दिख रहा था, ठीक है चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। ओके गाइज देखो ऐसे आप फीडबैक्स दिया करो, उस हिसाब से फिर मैं क्या करता हूँ, आपने बोला था लास्ट एक कमेंट था कि थोड़े इजी हो जा रहे थे क्वेश्चन, मैंने बोला ठीक है वैसे तो इतने ज़्यादा टफ भी नहीं, ठीक ठाक ही है ये जो लेवल है आसान है, इसमें क्या होता है पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, छोटे नहीं है सवाल, स्टेटमेंट दिए तो पढ़िए। ओके, इन ग्लाइकोलाइसिस एटीपी इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, एटीपी कहाँ पे यूज किया जा रहा है सर, आइए देखते हैं। ओके, फ्रुक्टोज 6 से 16 बिस्फॉस्फेट यूज करोगे, और इसमें तो नहीं करना है ना, ये तो 3 से 13 बोल रहा है, ओके और क्या हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये सही है क्या, ये भी सही है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। ओके वेरी गुड यार, देखो धीरे धीरे आप आंसर कर रहे हो यहाँ पे, क्या हुआ, तो क्या लगता है इसमें ऑप्शन क्या चूज करना है आपको, यहाँ पे ये वाले को चूज कर देते हैं नंबर डी को, इजी इजीली निकाल लोगे आप, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 आ गया, क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 26 पे, द प्रोसेस, अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, डिफ्यूजन से तो होगा नहीं ना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, अगर प्लांट में आपको भेजना है तो। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं 27, 27 में पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता, तो वो क्या, कैसा एलिमेंट है इसमें, माइक्रो न्यूट्रेंट, माइक्रो का कौन सा ऑप्शन है यार, चल आ जा जल्दी से बता दे क्या होना चाहिए माइक्रो के लिए यार। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना, आंसर कर देना, आंसर आ जाएगा मॉलिब्डेनम, राइट, ऑब्वियसली क्योंकि
ये तो माइक्रो के अंदर आ रहा था, है ना? तो आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर करते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया, इसको रीड करते हैं पहले, ठीक है? इसको जूम कर लेते हैं, आपके लिए थोड़ा हेल्प कर देता हूँ यहाँ पे, मैं जूम कर दिया। अब आप पढ़िएगा ऑप्शन और देख के बताना, ठीक है? टेक योर टाइम। चलिए अभी ठीक है, यहाँ पे आप ऑप्शंस के द्वारा एलिमिनेट कर सकते हो। फ्लैशी लीव विथ स्टोर्ड फूड, तो ये गार्लिक अनियन होगा, इसका ई का 5 ही होना चाहिए, तो एक जगह दिया 2 और 3, ठीक है? लीव मॉडिफाइड टू कैच इंसेक्ट, ये क्या होना चाहिए था? पिचर प्लांट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप, तो डी का हो जाएगा 1। डी का 1 यहाँ दिया है, यहाँ दिया, दो जगह दिया है, राइट, है ना? उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, स्पाइन। स्पाइन कहाँ पे होते हैं? स्पाइन कैक्टस में होंगे, सीधी बात है, तो सी का हो जाएगा 2। सी का 2 यहाँ है क्या? नीचे वाले में देख लेते हैं एक बार, नीचे वाले में तो सी का 3 दिया है, ठीक है? कंपाउंड लीफ लिख दिया स्पाइन से, नहीं ये तो कैक्टस में होना चाहिए था, तो सी का 2 यहाँ दिया, ऊपर आंसर आ गया नंबर ए। ऐसे करके आप एलिमिनेट कर लेना, आसान हो जाएगा, ठीक है? ऐसे एलिमिनेट करोगे तो आई गेस आपके लिए आसानी हो जाएगी, है ना? तो ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 डन हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं 29। 29 करते हैं, आपके स्क्रीन के सामने एक और बढ़िया पूरा पूरी एनसीईआरटी का सवाल, जल्दी से ला, अभी बस खत्म करके चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। ओके आइए ये वाला सवाल कर देते हैं जल्दी से। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, अनु जी ने भी आंसर दिया, नीट 21 से बात करते हैं इस पे। आइए ये बताना क्या लगता है, क्या होना चाहिए? ठीक है, फैमिली पोएसी तो नहीं होगी, वो तो वीट में पढ़ा था, तो ये पोएसी को तो हटा दो, एनाकार्डियेसी हो सकती है यहाँ पे, और पोएल्स थोड़ी होगा, कार्ड तो आंसर आ गया नंबर सी। क्वेश्चन में चलते हैं गाइस 29 के 30th, 30th आ गया गाइस। आपसे पूछा गया बायो मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन कौन कौन दिखा सकते हैं आपको याद है? मरकरी और डीडीटी, और भी बहुत लोग हैं, बट एनसीईआरटी में 2 लिखा है, याद रखिएगा, इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, राइट, है ना? तो आंसर आ जाएगा 30th का डी हो गया, राइट, है ना? यही था ना, यस, बायो मैग्निफिकेशन बोला है, कंसेंट्रेशन इंक्रीज होते जा रहा है ट्रॉफिक लेवल पे। अब आप मेरे को अपना स्कोर बता दीजिएगा 30 में कितना रहा, और अभी के अभी अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है, अभी के अभी जस्ट शुरू हो रहा है नेक्स्ट क्लास, ऊपर ये प्रोफाइल की लिंक नीचे मिल जाएगी वैसे, और अगर आपको और देखना है तो प्लेलिस्ट है नीचे, प्लेलिस्ट से आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? अभी वहीं मिलते हैं एकदम अभी विद इन 30 सेकेंड्स, ठीक है? चलो जाओ, बाय बाय, सिया, टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, मेहनत करिए गाइस, चलिए लेट्स।